उत्तर प्रदेश के वर्तमान सूचना निदेशक अनुज कुमार झा अपनी कार्यशैली से एक नई कहानी लिखने को बेताब है। लोगों को कैसे सही और सकारात्मक सूचनाएं पहुंचे, प्रदेश सरकार जो राज्य हित में और जनहित में कार्य कर रही है उसे कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा 2009 बैच के अधिकारी अनुज कुमार झा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक टीम वर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जिसका परिणाम सकारात्मक होता है। हाल ही में प्रदेश के सूचना निदेशक अनुज कुमार झा ने नई दिल्ली स्थित ईरान कल्चरल हाउस में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए प्रकाशित उर्दू मासिक साहित्यिक पत्रिका नया दौर को भेजे गए प्रशंसा पत्र पर ईरान के सांस्कृतिक काउंसलर को धन्यवाद पत्र भेज दिया है। और इस पत्र में श्री झा ने कहा है कि प्रशंसा पत्र सूचना विभाग के लिए प्रेरणादायी, हितैषा के क्षेत्र में लोग बेहतर कार्य करें, यही इनकी सोच है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो हेड अखिल सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल, आपसे जानना चाहेंगे, सबके चहेते अनुज झा बनते जा रहे हैं, अपनी कार्यशैली के लिए मशहूर होते जा रहे हैं, किस तरीके की उनकी सोच है और क्या सोचकर उन्होंने ये कदम उठाया? देखिए, अगर अनुज झा की बात की जाए तो यूपी के सूचना निदेशक इस समय है और 2009 के बैच के हैं और बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर शुरुआती उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में मुरादाबाद जिले में किया था, उसके बाद झांसी में सीडीओ हुए और उसके बाद वो महोबा, कन्नौज और रायबरी में जिलाधिकारी का उन्होंने पद संभाला, जिले को संभाला। इतना अच्छा काम किया जिसका वो मैसेज सरकार में गया, सरकार ने उनको उठा के सूचना विभाग उत्तर प्रदेश का निदेशक बनाया। निश्चित तौर पर वो एक टीम वर्क में काम करते हैं, काम उनको अच्छा लगता है कि सरकार की जो काम है, जो जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए हम आए हुए हैं, वो जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसको जन तक पहुंचाना है। सूचना विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, एक सरकार की जो छवि है, जो आईना, जो तस्वीर है, वो सूचना विभाग होती है। सरकार तमाम ऐसी योजनाएं चलाती है, जब उसकी सूचना जानकारी जनता तक नहीं पहुंचेगी तो उस योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा, ना सरकार को उसका फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और सूचना निदेशक बनाया है और उसके बाद से वो पूरी तरीके से टीम वर्क में काम करते हैं। कोई भी छोटा अधिकारी उनके नीचे का हो, साथ का हो, उनको लेकर साथ चलते हैं कि जब सब साथ चलेंगे तो उसका एक काम अच्छे तरीके से काम होगा और सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचेगी। सारे अधिकारियों से वो मिलकर रहते हैं, समीक्षा करते हैं, उसके साथ साथ पूरी तरीके से जिले में टच में रखते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर अधिकारी हो, जो सूचना की जो भी जिम्मेदारी किताब है, बुकलेट है, जो सूचनाएं हैं वो वहां पहुंचाते हैं, कोई भी कमी नहीं होने देते। निश्चित तौर पर एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी छवि सरकार उसका फायदा भी उठा रही है, क्योंकि योजनाएं, तमाम योजनाएं होती है उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। आज के जमाने में वो पोर्टल के जरिए, नेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वो पूरी तरीके से सरकार की छवि को बनाने में पूरी तरीके से हर कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से कमर कसे हुए। ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि पूरी तरीके से सरकार की छवि बना रहे हैं, इसका आने वाला फायदा जरूर चुनाव में सरकार को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आखिर